हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बाटी चोखा कैसे बनाए। तो बाटी बनाने के लिए आपको लेना है कंटेनर और लेनी है आधी कटोरी सूजी और आधी कटोरी आपको लेना है चने की बेसन और एक कटोरी लेनी है गेहूं की आटे। इन सभी को डाल देनी है और अच्छे से मिक्स कर लेनी है। उसके बाद आपको लेनी है आधे चम्मच नमक या नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी ली हूँ ज्वाइन और मैंगरेला और चुटकी भर बेकिंग सोडा। उसके बाद आपको इसे एक साथ डाल देनी है, चाहे तो आप इसे अलग अलग डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक साथ डाल रही हूँ। डालने के बाद आप इसे स्पून की हेल्प से मिक्स कर ले और आपको इसमें थोड़ी सी डालनी है रिफाइंड तेल या आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। तो घी डालने के बाद आप इसे अच्छे से स्पून की हेल्प से मिक्स कर लें और उसके बाद धीरे धीरे अपने हथेली से इसे मिक्स करें। तो आप देख रहे हैं हमारी आटे है वो अच्छे से मिक्स हो गई है। और हल्दी पाउडर आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, मैं यहाँ पर नहीं ऐड कर रही हूँ। आपको पानी लेनी है और आटे में थोड़ी थोड़ी करके डालनी है और इसे अच्छे से मिक्स करनी है। और आप इसमें थोड़ी और पानी ऐड करेंगे और आप इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद आप हल्के हाथों के सहारे डफ को तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डफ है वो तैयार हो गई है और आप इसे 15 से 20 मिनट तक के लिए ढक कर के छोड़ दें। जब तक हमारी डफ है वो सेट हो रही है, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जब तक हमारी डफ है वो सेट हो रही है बाटी के लिए, तब तक हमें बना लेनी है बाटी के लिए चोखा। तो यहाँ पर मैंने 5-6 उबले हुए आलू लिया है, उसके बाद 2 टमाटर लिया है। तो टमाटर को अच्छे से वॉश कर लेनी है और इसे गैस की फ्लेम पर पका लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर नेट है उसमें डाल रही हूँ और गैस की फ्लेम है वो ऑन कर दी हूँ। तो गैस की फ्लेम को ऑन करना है और इसे स्पून की हेल्प से अच्छे से पलट करके सभी साइड को पका लेनी है। अब गैस की फ्लेम है वो लो या मीडियम रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी टमाटर वो अच्छे से पक चुकी है। अब इसे गैस की फ्लेम है वो ऑफ़ कर देनी है और एक कटोरी में निकाल लेनी है। थोड़ी सी इसमें पानी ऐड करनी है ताकि ये ठंडी हो जाए। तो जब ठंडी हो जाए तो आप इसे पील कर ले अच्छे से अपने हाथों की हेल्प से और इसकी पानी को अलग कर दे। चोखा में डालने के लिए आपको लेनी है एक बारीक कटी हुई प्याज, 2-3 हरी मिर्च और कुछ कली लहसुन की। इसे अच्छे से पील कर लेनी है और उसे बारीक काट लेनी है। और नमक स्वाद अनुसार आप तेल भी 1/2 टेबल स्पून ले सकते हैं। तो देखिए आलू को आपको अच्छे से मैसर की हेल्प से मैश कर लेनी है। अगर आपके पास मैसर नहीं है तो आप ग्लास की हेल्प से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो मेरे पास मैसर है लेकिन मैं आप सभी के लिए ग्लास यूज कर रही हूँ। अगर आप हाथ से उसे मैश करते हैं तो आपको हैंड में ग्लव्स पहन लेने चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे टमाटर को डाल दी हूँ और इसे अच्छे से मैश कर ली हूँ। तो 5-6 आलू के लिए 2 टमाटर काफ़ी है। अगर बड़ी टमाटर है तो आप 3-4 भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसमें डालेंगे लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और नमक और थोड़ी सी सरसों की तेल। उसे डालने के बाद आप इसे स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं कि अच्छे से मिक्स हो गई है और जो चोखा है वो बाटी के लिए तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसमें बारीक कटी हुई धनिया भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। बाटी के लिए चोखा तैयार हो गई है। तो 20 मिनट हो चुके हैं, अब हमें डफ की ढक्कन को हटा देनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डफ है वो रेडी हो गई है। इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं, सॉफ्ट हो गई है। और आपको इसे छोटी छोटी लोई बना लेनी है, यानी कि डो तैयार कर लेनी है। तो इस तरीके से आपको लेनी है और हाथों की हेल्प से अच्छे से इसे राउंड बनानी है, राउंड शेप में, और इस तरीके से आपको प्रेस कर देनी है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको बाटी बना लेनी है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी बाटी बनाई है, आप देख सकते हैं। तो जितनी भी है आप सभी को उसी अनुसार बना ले। उसके बाद आपको लेनी है कुकर। तो कुकर लेनी है और गैस की फ्लेम है वो ऑन कर देनी है। गैस की फ्लेम में मीडियम रखनी है,
चाहे तो आप इंडक्शन में भी इसे बना सकते हैं। अगर आप इंडक्शन में बना रहे हैं तो इंडक्शन की टेम्परेचर है वो 300 में रखें। कुकर में बाटी बना रहे हैं तो आप इंडक्शन की बटन है वो प्रेशर कुकर में ले जा करके सेट कर लेंगे। उसके बाद आपको डालनी है इसमें घी, 2 चम्मच या 1 चम्मच आप घी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें बाटी को डाल देनी है। बाटी को डालने के बाद हमें इसमें कुकर की ढक्कन लगानी है और उसमें से सीटी और रबर को खोल देनी है। तो इस तरीके से आपको बंद कर देनी है और आप इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएं। अगर आप गैस में पका रहे हैं तो गैस की फ्लेम है वो लो कर देनी है। 2 से 3 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं बाटी है वो पक गई है। तो इसे पलट देनी है और फिर आपको इसे कवर कर देनी है। फिर आपको 2 से 3 मिनट तक के लिए पकने देनी है। तो आप देख सकते हैं इसकी दूसरी साइड भी पक चुकी है। तो देखिए हमारी बाटी है वो तैयार हो गई है। तो सभी बाटी को इसी तरह से बना लेनी है। बाटी बनने के बाद आप इसे स्पून की हेल्प से निकाल ले और गैस की फ्लेम है वो ऑफ़ कर दे या इंडक्शन है उसे ऑफ़ कर दे। तो आप देख सकते हैं हमारी चोखा और बाटी है वो दोनों तैयार हो गई है। तो देखने में बहुत ही टेस्टी दिख रही, बहुत ही लजीज दिख रही है। तो आपको भी लग रहा होगा बाटी चोखा है वो खाए, तो आप भी जल्दी जल्दी बनाइए बाटी चोखा और घर पर सर्व कीजिए।